फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बेसिक 4 पॉइंट्स होते हैं, जो मैं जो भी पर्सन फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डील करता है उसे किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है, वो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड एंड लिक्विडिटी। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में देखिए कह रहा है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग इन्वॉल्व्स द डिसीजन ऑफ एलोकेटिंग ऑफ कैपिटल और कमिटमेंट ऑफ फंड्स टू लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट वुड यील्ड बेनिफिट इन द फ्यूचर। यानी इनिशियली जब आपने प्रोजेक्ट को सेटअप करने जा रहे हैं तो प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए, जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं वो कौन कौन से एसेट्स हैं और उन एसेट्स के लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि उस कैपिटल को हम यूज करके अपने फ्यूचर में बेनिफिट प्रोड्यूस कर सकें। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग लेते हैं, ताकि हम फ्यूचर में और कुछ अर्न कर सके, कुछ बेनिफिट अर्न कर सके ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो इसमें बेसिकली कह रहा है, टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन अगर हमें लेना है तो हमें दो चीजों को बहुत ध्यान में रखना होता है, द इवेल्युएशन ऑफ परस्पेक्टिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया था कि सपोज करिए अगर मैं किसी बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूँ, अगर मुझे 50 लाख रुपए में उस प्रोजेक्ट को लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने इन्वेस्टमेंट को सही तरह से नहीं आका और मैंने इसको सही तरह से मेजरमेंट नहीं किया, उसका एवेल्युएशन सही तरह से नहीं किया और मैंने गलती से 50 लाख की बजाय 1 करोड़ अगर बिजनेस में लगा दिए, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट मेरा गलत इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो और अगर हम इन्वेस्टमेंट के टाइम में मैंने ये भी इवेल्युएट नहीं किया कि मैं अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट कितना होगा, तो सपोज करिए 50 लाख का प्रोजेक्ट लगाने से अगर मुझे 80 लाख का प्रॉफिट होता, तो 80 लाख के प्रॉफिट में तो 50 लाख तो हमारा ऐसे ही निकल गया, ठीक है। तो अगर कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का अगर निकाले तो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख के अप्रोक्स जो है हमारा एनपीवी आएगा, जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। 30 लाख नहीं होगा, 30 लाख से अप्रोक्स होगा, क्योंकि उस समय मार्केट जो मनी की वैल्यू होगी कुछ गिर चुकी होगी, जो अप्रोक्स एनपीवी आएगा वो 30 लाख के अप्रोक्स आएगा। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो 50 लाख था, अगर वो हम 1 लाख कर देते तो हमारा एनपीवी क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता। तो कहने का मतलब ये है कि जो परस्पेक्टिव, जो प्रॉफिटेबिलिटी है हमारे बिजनेस की, जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको हमें क्या करना होगा, मेजर करना होगा, ताकि हम इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट अमाउंट को सही जगह से यूटिलाइज कर, सही तरह से यूटिलाइज कर सके। सेकेंड पॉइंट का द मेजरमेंट ऑफ कट ऑफ रेट अगेंस्ट दैट द पर्सपेक्टिव रिटर्न ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट कुड बी कंपेयर्ड। हमारे एक कट ऑफ रेट होना चाहिए, मुझे इससे कम प्रॉफिट नहीं चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो रेट ऑफ रिटर्न है उससे इसको कंपेयर कर सके कि जो रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है, जिस रेट में मुझे रिटर्न मिल रहा है, क्या हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि मुझे इतना चाहिए, क्या ये उससे कम है या उससे ज्यादा है। तो इन दो चीजों को हमें बहुत, हमें अपने माइंड में रखना होता है इन्वेस्टमेंट को करने के लिए। पहला क्या है, हमें प्रॉफिट को ध्यान में रखना है कि जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है उससे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज कितना मिलेगा, यानी कट ऑफ क्या है उसका, कि हमने कट ऑफ जो सेट किया था उस कट ऑफ में और जो रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है, उस रेट ऑफ रिटर्न को अगर हम कंपेयर करते हैं, उस प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो क्या है। तो यहाँ देखें कह रहा है, फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आर डिफिकल्ट टू मेजर एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्ट विद सर्टेनिटी। अब एक चीज और, अगर मैं आज 50 लाख रुपए अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस 50 लाख रुपए से 4 साल बाद मैं कितना कमा पाऊंगा, ये इवेल्युएट, इसका इवेल्युएशन करना बहुत टफ जॉब है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रिस्क होते हैं, कब किस टाइम किस सिचुएशन में क्या रिस्क अकर्ड हो जाएगा और उससे हमारे बिजनेस को क्या लॉस होगा, कि हम पहले से सारी चीजों को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह पाना कि अगर मैंने 50 लाख का एक बिजनेस सेटअप किया है और 50 लाख से मैं 4 साल बाद 2 करोड़ रुपए कमा लूंगा, तो ये कहना बिल्कुल 100% सही नहीं होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं हर बिजनेस में जिस फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, तो वही आप भी कह रहे हैं, जब आप इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कर रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन के टाइम पे आपको ये भी देखना है, जिस इन्वेस्टमेंट को आप करने जा रहे हो उससे प्रॉफिट अर्न होगा या नहीं होगा। तो उस प्रॉफिटेबिलिटी को आप जो, जिस तरह से आप एज्यूम कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में वो वैसे ही रिफ्लेक्ट भी हो। इसी चीज को यहाँ पे मेंशन कर रहा है, फ्यूचर बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट आर डिफिकल्ट टू मेजर एंड कैन नॉट बी प्रिडिक्ट विद सर्टेनिटी बिकॉज ऑफ द अनसर्टेन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व्स रिस्क, क्योंकि रिस्क एक ऐसा फैक्टर है जो आपके आपके सारी प्लानिंग्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है।
आपके सारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें कह रहा है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल शुड देयरफॉर बी इवैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क। तो इसीलिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के टाइम में हम सिर्फ बेनिफिट्स के बारे में ना सोचें, ठीक है, और ये ना सोचे कि हमें जो रिटर्न मिल रहा है वो किस रेट से मिल रहा है, यानी कट ऑफ रेट की भी बात करने के साथ ही साथ हमें अपने प्रॉफिट के साथ साथ रिस्क फैक्टर को भी कंसीडर करके चलना होगा। देखिए यहाँ कह रहा है बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ बोथ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड रिस्क, बहुत मेन पॉइंट है इन्वेस्टमेंट का। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें तो अपने प्रॉफिट के साथ ही साथ उसके रिस्क को भी इवेल्युएट करते हुए चले। कहने का मतलब है हर बिजनेस के कुछ प्रॉस होते हैं, उसके कॉन्स भी होते हैं, तो उस बिजनेस के प्रॉस के साथ ही साथ हम उसके कॉन्स को भी, यानी उसकी पॉजिटिविटी के साथ उसकी नेगेटिविटी को भी देखते चले, ठीक है। नेक्स्ट है बिसाइड्स द डिसीजंस टू कमिट फंड इन न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, कैपिटल बजटिंग आल्सो इन्वॉल्व्स डिसीजन ऑफ रिकमिटिंग फंड्स व्हेन एन एसेट्स बिकम लेस प्रोडक्टिव और नॉन प्रॉफिटेबल। यानी हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हमें कुछ ऐसा प्रपोजल, कुछ ऐसे डिसीजन भी बनाने होंगे कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उससे अगर हमारा प्रोजेक्ट, हमारा बिजनेस नहीं चला तो हम अपने उस इन्वेस्टमेंट को किस तरह से रिसफल करें, किस तरह से उसकी प्लानिंग में क्या चेंजेस करें जिससे हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को अर्न कर सकें। देयर इज अ ब्रॉड एग्रीमेंट दैट द करेक्ट कट ऑफ रेट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम इन कंप्यूटिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन प्रैक्टिस फ्रॉम द अवेलेबल डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अगर आप अपने प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप बेसिकली करेंगे क्या, बहुत सारे मार्केट के एग्जिस्टिंग डेटा को आप उठाएंगे और उसके बिहाफ पे आप कंपेयर करेंगे, उन्होंने इतना लगाया तो इतना प्रॉफिट कमाया, उन्होंने इतना लगाया तो इतना कम टाइम इतना प्रॉफिट कमाया, तो उसी के आधार पे आप भी सोचने लगते हैं कि मैं भी अगर इतना लगाऊंगा तो मैं इतना कमा लूंगा। लेकिन आप ये रिस्क फैक्टर नहीं देखते हैं कि उनके टाइम पे मार्केट कंडीशन क्या थी, उनके टाइम पे सिचुएशन क्या थी, उनके टाइम पे गवर्नमेंट पॉलिसीज और नॉर्म्स क्या थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी को ही नहीं सोचते चलना है, हमें बाकी फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए डेटा कलेक्ट करके सही इंफॉर्मेशन निकाल के तब जो है हमें इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग प्रॉपर डिसीजन लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन मैंने आपको बताया था कि हमें कब कितना कैसे अपना पैसा इकट्ठा करना है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम इसमें डिसीजन लेते हैं। जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी जो होती है ये फाइनेंशियल डिसीजन वाली, उस फंक्शनैलिटी में बेसिकली वो ये डिसीजन लेते हैं कि कितना पैसा लेना है, किससे लेना है, कब लेना है अपने प्रोजेक्ट को स्टैंड अप करने के लिए, ठीक है। उसमें कह रहा है फाइनेंसिंग डिसीजन इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू बी परफॉर्म बाई द फाइनेंशियल मैनेजर। ब्रॉडली ही और सी मस्ट डिसाइड व्हेन, वेयर एंड हाउ टू एक्वायर फंड्स टू मीट द फर्म्स इन्वेस्टमेंट नीड्स। फर्म्स जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टमेंट व्हेन, कैसे, कब मिलेगा, वेयर, कहाँ मिलेगा और हाउ, कैसे मिलेगा। कहने का मतलब है कि पैसे का जो हमें कैपिटल अमाउंट चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस के लिए, उसका जुगाड़ हम कैसे करेंगे, इसकी इसके रिगार्डिंग जो हम प्लानिंग करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं वो फाइनेंशियल डिसीजन में करते हैं, ठीक है। तो अभी इसके पहले वाला जो स्टेप हमने पढ़ा उसमें हम ये एवेल्युएट करते हैं कि हमें अपने प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कितना इन्वेस्ट करना है और उस इन्वेस्ट को कहाँ कहाँ कितना यूटिलाइज करना है। अब जब हमें ये पता चल जाएगा हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, अब वो 50 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो इसी फाइनेंसिंग डिसीजन में हम इन्हीं चीजों को फॉलो करते हैं कि कब, कैसे, कहाँ से हमें वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम मैनेज कर पाएंगे। तो देखिए इसमें कह रहे हैं द मिक्स ऑफ डेबिट एंड इक्विटी इज नोन एज द फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फर्म्स का कैपिटल स्ट्रक्चर वो क्या है, फर्म्स के जो डेब्ट है यानी जो उसने पैसे लोगों से ले रखे हैं, इक्विटी है, ये सारी चीजें क्या है, फर्म्स का जो प्रोजेक्ट का एक कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट स्ट्राइव टू ऑब्टेन द बेस्ट फाइनेंसिंग मिक्स और द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर हिज और हर फर्म। द फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमम
when the market value of share is maximized. तो फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे उसके बिजनेस की, उसके प्रोजेक्ट की जो मार्केट वैल्यू है एंड उसके जो शेयर वैल्यू है, वो शेयर वैल्यू मतलब हाई रहे. ठीक है, तो शेयर वैल्यू हाई कैसे होगा, तो उसके फाइनेंसिंग डिसीजंस प्रॉपर होंगे. प्रॉपर कैसे होंगे, जैसे सपोज करिए हमने अपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए 50 लाख का, और वो सारा का सारा 50 लाख रुपए हमने मार्केट से उठा लिया. तो कहीं ना कहीं पैसे देने वाले को भी थोड़ा बहुत डर बना रहता है कि यार इसने तो अपना 1 रुपया नहीं लगाया, सारे पैसे इसने उधार लेके लगाए, बिजनेस डूब जाएगा तो भाग जाएगा, डूब तो हम लोग जाएंगे. तो इससे क्या होता है, मार्केट की जो मार्केट में जो उस फर्म की शेयर वैल्यू है उतनी अच्छी नहीं हो पाती है. लेकिन जो ओनर है, अगर उस ओनर अपना खुद का उसमें 60% शेयर होल्ड करता है, यानी मेजोरिटी ऑफ शेयर जो होती है ओनर की अगर होती है, तो इन्वेस्ट करने वाला ही बड़ा श्योर होता है, चलो यार मैं तो सिर्फ 10% इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको तो 60% लगे हुए हैं, अगर बिजनेस अगर डूबेगा तो इसका नुकसान होगा, और इसने ज्यादा पैसा लगा रखा है, बिजनेस को डूबने नहीं देगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बिजनेस को सेफ साइड मेंटेन रखते हैं, और हमारे बिजनेस हमारे फर्म्स की जो मार्केट वैल्यू है, शेयर वैल्यू, उसको अच्छी बना के रखते हैं. द यूज ऑफ डेट अफेक्ट द रिटर्न्स एंड रिस्क ऑफ शेयर होल्डर्स. इट मे इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी फंड्स बट इट ऑलवेज इंक्रीज रिस्क. ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, द यूज ऑफ डेट इफेक्ट द रिटर्न ऑफ रिस्क ऑफ शेयर होल्डर. इट मे इंक्रीज द रिटर्न ऑफ इक्विटी फंड बट इट ऑलवेज इंक्रीज रिस्क. तो हमने अगर किसी से पैसा अगर ले रखा है, ठीक है, तो वो पैसा हमें जो भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लगाता है, तो उसे तो यही रहता है ना कि हमें अच्छा से अच्छा रिटर्न मिलेगा इस बिजनेस से. ठीक है, तो वो रिटर्न तब हम अचीव कर पाएंगे, हमें अपने बिजनेस से अपने फर्म से वो रिटर्न तब मिलेगा जब हम रिस्क फैक्टर को प्रॉपर लेके चले. ठीक है, लेकिन क्या होता है, हम हमेशा रिस्क फैक्टर को कंसीडर नहीं करते, हम अपने प्रॉफिट में इतने खो जाते हैं कि हम रिस्क फैक्टर को माइंड में ही नहीं रखते हैं. इसलिए कह रहा है कि ए प्रॉपर बैलेंस विल हैव टू बी स्ट्रक बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क. इसीलिए क्या कह रहा है कि हमें अपने फायदे के साथ ही साथ अपने रिस्क फैक्टर को भी साथ साथ लेके चलना है. प्रॉपर बैलेंस, ए प्रॉपर बैलेंस विल हैव टू स्ट्रक बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क. यानी हमें रिटर्न के साथ साथ जितना फोकस रिटर्न पे कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा फोकस हमें रिस्क फैक्टर पे करना होगा, तभी हमारा रिटर्न ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा. अगर हम सिर्फ रिटर्न पे फोकस करेंगे, रिस्क पे फोकस नहीं करेंगे, तो हमारा रिटर्न हमेशा नेगेटिव में चला जाएगा. नेक्स्ट देखिए कह रहा है डिविडेंड डिसीजन. डिविडेंड डिसीजन की अगर बात करें, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि कैसे हम अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबल अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारे पास क्या पॉलिसी होगी, क्या हम ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बना के रखेंगे जिससे हम अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनमें अपने बिजनेस के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें. तो इसके रिगार्डिंग जितने भी डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर लेता है, उसको हम कंसिडर करते हैं डिविडेंड डिसीजन में. और ये जो है एक फंक्शन है किसका, फाइनेंसिंग फाइनेंस मैनेजर का. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या रहा है, डिविडेंड डिसीजन इज द थर्ड मेजर फाइनेंशियल डिसीजन. द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट डिसाइड वेदर द फर्म शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल प्रॉफिट्स और रिटर्न देम और डिस्ट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ रिटेन द बैलेंस. कहने का मतलब, जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि उसने जो प्रॉफिट अर्न किया अपने फर्म से, वो सारा का सारा अपने पास रखेगा, या उसमें से जो प्रॉफिट अर्न किया उसमें से कितना परसेंट वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. ठीक है, या वो सारा का सारा जो प्रॉफिट अर्न किया है दोबारा से वो अपने बिजनेस में ही डाल देगा. ऐसी क्या प्लानिंग उसके पास है जो वो डिविडेंड के रिगार्डिंग उसने बना रखी है. तो ऐसी प्लानिंग जो ऐसे डिसीजन जो डिविडेंड के रिगार्डिंग वो यूज कर रहा है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन. और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि अगर ये पॉलिसी हम प्रॉपर नहीं बनाएंगे, तो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं
वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर अपने प्रॉफिट को देखते हुए हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, तो अगर हम अपने इन्वेस्टर को ये दिखाते हैं, देखिए अगर हम 10 रुपए भी कमाएंगे तो उसमें मेजर प्रॉफिट हम आपको ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम अपने पास कम ही रखेंगे, तो इससे क्या होता है, उनको लगता है हाँ चलो मेरा फिर तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, मैं पैसे लगा रहा हूँ, एक तरह से बिजनेस में शेयर भी मुझे मिल रहा है और प्रॉफिटेबल अमाउंट का मैक्सिमम रिटर्न हमें ही मिलने वाला है। तो कहने की डिविडेंड डिसीजन है, जो पॉलिसीज है वो इतनी प्रॉपर बननी चाहिए ताकि हमारे इन्वेस्टर्स को हेल्प मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं इसमें, लाइक द डेबिट पॉलिसी एंड डिविडेंड पॉलिसी शुड बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स इंपैक्ट और द शेयर होल्डर्स वैल्यू, द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी इज वन दैट मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म शेयर। मैंने थोड़ा पहले आपको जो कहा कि अगर मैंने दो लोग बोल रखा है कि आप 10-10 रुपए लगाइए हमारे बिजनेस में, अगर मैं 20 रुपया कमाऊंगा तो उस 20 रुपए में से 60% आप लोग को दे दूंगा, 40% सिर्फ अपने पास रखूंगा, तो उनको भी लगेगा ये ओनर होते हुए भी मैक्सिमम प्रॉफिट जो है तो हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इससे क्या होगा हमारे हमारे फर्म में लोग ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मतलब हमारे फर्म की जो शेयर वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। तो हमें अपने बिजनेस की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कुछ इस तरह से प्लान करनी होती है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा है लिक्विडिटी डिसीजन। अब देखिए लिक्विडिटी डिसीजन में क्या कर रहा है, कह रहा है करंट एसेट्स मैनेजमेंट दैट अफेक्ट फर्म लिक्विडिटी इज येट अनदर इम्पोर्टेंट फाइनेंस फंक्शन। बिजनेस चल रहा है, प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, प्रोजेक्ट प्रॉपर चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तो अब करंट एसेट्स मैनेजमेंट दैट अफेक्ट फर्म लिक्विडिटी, अब अगर सपोज करिए हमने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया अपने बिजनेस को चलाने के लिए, और आज के डेट में हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपने फर्म के एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकें, हम रॉ मटेरियल खरीद सकें, हम प्रोडक्शन को सही तरह से चला सकें, तो हमारा फर्म तो डूब जाएगा ना। तो कहने का मतलब है कि करंट असेट्स मैनेजमेंट, अब हमें अपने बिजनेस को प्रॉपर चलाने के लिए हम अब टाइम टू टाइम क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे पैसे कैसे हम अपने कैपिटल को मैनेज कर रहे हैं फ्यूचर में अपने बिजनेस को सही तरह से चलाने के लिए। तो यहाँ देख रहे करंट एसेट्स मैनेजमेंट दैट अफेक्ट फर्म्स लिक्विडिटी इज येट अनदर इम्पोर्टेंट फाइनेंस फंक्शन इन एडिशन टू द मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। करंट एसेट्स शुड बी मैनेज्ड इफिशियंटली फॉर सेफ गार्डिंग द फर्म्स अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ इलिक्विडिटी। इलिक्विडिटी मतलब धन की कमी, ऐसा ना हो जाए कि पैसे की कमी हो जाए और हमारा बिजनेस जो है प्रॉपर तरह से रन ना हो पाए। इन्वेस्टमेंट इज करेंट एसेट्स अफेक्ट्स द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी एंड रिस्क। इन्वेस्टमेंट इज करेंट एसेट्स अफेक्ट्स द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी एंड रिस्क। जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, उस इनिशियल जो हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के रिगार्डिंग में इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बहुत सारे जो प्लान बनाए थे, बहुत सारे डिसीजन बनाए थे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी थे, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट भी थे जो फ्यूचर में हमारे इन्वेस्टर्स के द्वारा किए जाएंगे। जैसे सपोज करिए अगर आज मैं टाटा का शेयर परचेज करता हूँ, तो टाटा ने तो आज अपना एम्पायर खड़ा नहीं किया, कितने कई सालों पहले खड़ा किया हुआ, लेकिन अगर आज मैं कोई शेयर परचेज करता हूँ टाटा का, तो कहीं ना कहीं जो मैंने पैसा डाला टाटा में, यानी जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट को टाटा अपने बिजनेस को और आज की डेट में आगे बढ़ाने के लिए यूज करेगी। तो कहने का मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट इज द करंट एसेट्स अफेक्ट द फर्म प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी एंड रिस्क। आज की डेट में हम अपने बिजनेस को सही तरह से मैनेज करने के लिए क्या क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना रखे हैं, वो सारी चीजें हम लिक्विडिटी सेंस में मैनेज करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, लिक्विडिटी का मतलब ऐसा एसेट्स जिसको हम इजिली कैश में कन्वर्ट कर सके। तो लिक्विडिटी सेंस का मतलब अगर आज हमें बिजनेस चलाना है और पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो उस लिक्विडिटी को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। 10 साल पहले हमने बिजनेस अपना स्टार्ट किया था, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और आज की डेट में अगर मुझे बिजनेस चलाना है तो कॉमन सी बात है, मुझे आज भी पैसे की जरूरत है। तो जो हम पैसा अपने प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट अर्न किया अपने प्रोजेक्ट को सेल करके, तो क्या उस प्रॉफिट से हम अपना बिजनेस आगे और कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो लिक्विडिटी को प्रॉपर मैनेज करने के लिए हमने क्या क्या प्लान तैयार किया है, ताकि हमारे बिजनेस को एक प्रॉपर सेटअप अमाउंट मिलता रहे, ताकि हमारे बिजनेस को स्मूथली रन कर सके। If the firm does not invest sufficient funds in current assets, it may become illiquid. अगर firm के पास proper fund नहीं होगा, ठीक है, अपने business को सही तरह से चलाने के लिए, तो क्या हो जाएगी, दिवालिया घोषित हो जाएगी। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे
बैंक जो है दिवालिया घोषित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने बिजनेस को आगे चलाने के लिए जितना कैपिटल चाहिए, जितना उनको लिक्विडिटी चाहिए, उतनी लिक्विडिटी उनके पास नहीं होती। वो अपना कई करोड़ रुपए वो अपने जो लोनर है लोनर्स को दे देते हैं, और वो लोनर पैसे रिटर्न जब नहीं करते हैं तो बैंक क्या होती है, दिवालिया घोषित हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि बैंक ने जो पैसे अपने पास रखे थे उसने तो पैसे लोन पे दे दिए, और वो जब पैसे रिटर्न नहीं मिले तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो जीरो हो गई, और जब प्रॉफिटेबिलिटी जीरो हो गई तो उसको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, एम्प्लॉइज की सैलरी देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो कहने का मतलब है लिक्विडिटी डिसीजन में मैनेज करना होगा कि टाइम टू टाइम हमारे पास क्या लिक्विडिटी आ रही है जिससे हम अपने बिजनेस को स्मूथली रन करा सकें। इसमें कह रहा है but it would lose profitability as idle current assets would not earn anything, thus a proper trade off must be achieved between profitability and liquidity। तो जो भी हम profit earn कर रहे हैं उस profit में liquidity को भी हमें manage करके चलना पड़ेगा, मतलब हमें इतना अपने पास liquid liquidity बना के रखनी पड़ेगी, इतना cash रखना पड़ेगा कि हम अपने business के risk factor को neutralize कर सकें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे चारों पॉइंट जो कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं।